Morning, girls. We have been dealing with the causes of inflation, so we will continue with that. The next cause of inflation is hoarding. Hoarding yani sanchay karna. So in every country, in every economy, there will be people who are hoarders, who keep or stock piles and piles of goods and commodities to release them in the market at an opportunistic time. This is why an artificial scarcity in supply of goods is created. Hoarders are people who have a lot of money and they can buy goods, and they usually buy goods when the price of the goods is less or reasonable to them. They stock these goods in their own space of godown, and then when a supply scarcity is created artificially by them and the price rises, they release and supply their stored goods at this opportune moment to sell these goods at higher prices and to avail higher profits. This is how they make their profits. But in the way of making such profits, what are they doing? They are gaining profits at the cost of creation of inflationary trends or inflation in the country. Sanchaykarta wo log hote hain jo kisi vastu ke kam keemat ya sadharan keemat hone par use khareed lete hain aur use apne paas sanchay karke rakh dete hain badi matra mein. Ye log bade tadad pe aise vastuon ko sanchay kar dete hain jo ki लोगों की आवश्यकताओं की वस्तु होती हैं, और फिर जब कृत्रिम रूप से एक दुर्लभता तैयार हो जाती है, स्केसिटी तैयार होती है कि मार्केट में, और पूर्ति की कमी होने लगती है जिससे कि बाज़ार कीमत बढ़ने लगती है, तो यही संचयकर्ता उस वक्त अपनी रखी हुई जो वस्तुएं हैं उनको, संचय की हुई वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। इससे वो काफ़ी अधिक मुनाफा या लाभ कमाते हैं, लेकिन वह अर्थव्यवस्था में इन वस्तुओं के ज़रिए मुद्रास्फीति ला देते हैं। इस तरह से जो कृत्रिम कमी, पूर्ति की कमी पैदा किया जाता है, इसके कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कई बार आप देखेंगे कि छोटे जो आम तौर पे यूज़ करने की चीज़ें हैं, या सिंपल वेजिटेबल्स, टेक फॉर एग्जांपल अनियंस एंड पोटैटो, आलू और प्याज के जो कीमत है वो कई बार गगनचुंबी हो जाती है ना, 100-150 रुपये या 200 रुपये तक छू जाती है प्याज की कीमत, और अचानक से फिर काफ़ी सारा प्याज बाज़ार में आ जाता है ऊँची कीमत पर। कैसे होता है ये? इसीलिए होता है क्योंकि कुछ संचयकर्ता इसे खरीद के रख लेते हैं अपने गोदाम में और तब तक नहीं बेचना चाहते जब तक इसकी कीमत काफ़ी ऊंची ना हो जाए। सो दिस इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ सप्लाई क्रिएटेड बाय होर्डर्स। कृत्रिम जो कमी होती है, ये ना भी हो तब भी कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन या उत्पादन में जेन्युइन रूप से या कुछ ऐसे कारणवश कमी आने लगती है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। समटाइम्स देयर आर जेन्युइन शॉर्टेजेस इन प्रोडक्शन दैट हैपेंस, और जिसके कारण पूर्ति घट जाती है, मांग से भी कम हो जाती है। ये शॉर्टेजेस हो सकता है कि किसी प्राकृतिक दुर्योग के कारण हुआ है, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इन सब के कारण हुआ है। हो सकता है रॉ मटेरियल्स की कमी के कारण हुआ है, किसी भी कारण से हो सकता है जो कि जेन्युइन रीज़न है, जो कि सच्ची कोई कारण है, लेकिन इससे भी कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति जन्म लेती है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स। नाउ लेट अस सी हाउ एक्सपोर्ट्स ब्रिंग इन इन्फ्लेशन। In any economy, when total production must fulfill the domestic as well as the foreign demand, right? Whatever is being produced must be able to meet the domestic demand and the foreign demand. Now, if it fails to meet these demands, what happens is exporting such commodity outside will create
इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। कोई भी वस्तु का उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में आंतरिक और बाह्य मांग को पूरा करना चाहिए। अगर हम आंतरिक मांग उस वस्तु की पूरा ना करके, यानी घरेलू मांग उसका पूरा ना करके उसे हम निर्यात कर देते हैं, तो घरेलू बाजार में उस वस्तु की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति जन्म लेगी। सो मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग दैट गुड विदाउट सेलिंग इट इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड देर इज एन एग्जिस्टिंग राइज इन डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट, देन इट लीड्स टू हायर रेट्स ऑफ प्राइसेस एंड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। इन दिस वे एक्सपोर्ट ऑल्सो एड्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑल्सो एड्स टू इन्फ्लेशन। तो निर्यात भी कभी कभी मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। कब ये बनती है? जब हम किसी वस्तु की घरेलू मांग को पूरा नहीं करके सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा कर देते हैं। तो घरेलू मांग जो होती है वो घरेलू पूर्ति से काफ़ी अधिक हो जाती है और इससे उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है। नेक्स्ट वी कम टू द कॉज ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस यानी श्रम या श्रमिक संघ। ट्रेड यूनियंस ऑलवेज वर्क इन द फेवर ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉयज। सो वेन एवर द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द ट्रेड यूनियंस डिमांड हायर वेजेस विच इंक्रीजेस अगेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डेफिनेटली द एम्प्लॉयर्स और द कंपनीज और द फर्म्स डू नॉट पे दिस इंक्रीज इन वेजेस फ्रॉम देयर पॉकेट्स। व्हाट दे डू इज दे एक्सट्रैक्ट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स। एंड हाउ डू दे डू दैट? By increasing the prices of the commodities, and this leads to inflationary trends. कई बार श्रमिक संघ जो कि श्रमिकों के हित में काम करते हैं, मालिकों से अधिक मजदूरी दरों की मांग करते हैं, खासकर उस वक्त जब कंपनी लाभ कर रहा है, वस्तु या सेवा जो है इस कंपनी की अधिक कीमतों में बिक रही है, उसकी कीमतों में वृद्धि है। तो ऐसे या ऐसी स्थिति में श्रमिक संघ अधिक और अधिक मजदूरी दर की मांग करते हैं। अधिक मजदूरी दर का अर्थ है उत्पादन की लागत में वृद्धि। फर्म या फर्म के मालिक इस लागत में वृद्धि को अपने पॉकेट से या अपने खर्च से नहीं पूरा करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं से वसूलते हैं। अब उपभोक्ताओं से कैसे वसूलते हैं? वो कीमतों को बढ़ा के उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलते हैं और इसी से लागतों को पूरा करते हैं। तो इससे इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति की प्रेशर्स बिल्डअप होती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये अनुमान होने लगता है या कई बार इकोनॉमिक पब्लिकेशंस में, एनालिसिस में, विश्लेषणों में, विशेषज्ञों की मीटिंग्स में ये कहा जाता है कि आने वाले दौर में मुद्रास्फीति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के जो बातें होती हैं, वार्तालाप होते हैं या विश्लेषण होते हैं, लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करते हैं और लोग चिंता के कारण वो और ज़्यादा वर्तमान काल में मांग करने लगते हैं, खरीदारी करने लगते हैं, ये सोचकर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कम कीमत पर कर लेंगे और बचत करेंगे ताकि आने वाले कल के अधिक कीमतों पर वो खरीदना नहीं पड़े। ऐसे में तुरंत या तीव्र गति से मांग बढ़ जाती है, समग्र मांग बढ़ती है, लेकिन इतने अल्प काल में पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है और इसीलिए कीमतें बहुत ज़्यादा ऊंचा उठने लगती है। When people expect inflation to set in the future, that means they are expecting that in the future times prices will rise. This mostly happens when they hear certain analysis of experts, they read certain reports of certain
market reviews and market research, they become quite stressed, they become quite vigilant, and they start buying more and more in the present times in this belief that they are going to save more by not buying in the high at higher prices in the future. What happens is suddenly the demand, aggregate demand of the present time is hiked up. But in that very short period of time, aggregate supply cannot be increased in any form, any sort of manner. What does that result to? A very sharp increase in prices of goods and services, leading to inflation. So if inflation was expected to set in the future, the inflation will be much more aggravated in the present because of such buying activities. Next we come to taxation policies. करों की जो नीतियां होती हैं इस पर भी मुद्रास्फीति निर्भर करती है। एक पक्ष वो होता है जबकि सरकार करों में माफी या कटौती या छूट देती है। इफ़ द गवर्नमेंट डिक्लेयर सम काइंड ऑफ अ टैक्स हॉलीडे और टैक्स रिडक्शन स्कीम्स, जिसके अंतर्गत लोगों को अपने व्यक्तिगत आय में वृद्धि दिखती है, तो वो इस आय में वृद्धि को या आय में बचत को सकारात्मक रूप से लेकर उसको खर्च करने लगते हैं, और जब खर्च करते हैं तो उपभोग मांग बढ़ती है, उपभोग मांग बढ़ती है अचानक से तो कीमतें भी बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। When there are reduction in taxes, it results to increase in the personal disposable income of people. When people have more income to their disposal, they can spend more. They have more money in their hands. Their purchasing power has increased. They readily want to spend it on consumption of goods and services. This suddenly increase in consumption of goods and services increases the aggregate demand, but the aggregate supply remains the same. And this is why prices shoot up and inflationary trends come. On the other hand, there is another perspective of taxation policy. कर नीति का एक और पक्ष भी होता है। अगर सरकार किसी वजह से अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा देती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स इत्यादि, तो ऐसे में ये अप्रत्यक्ष कर जो है वो सीधी तरह से, या आप कह सकते हैं फिर से अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को ही चुकाना पड़ता है, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं इन करों की मात्रा को पूरी तरह से कीमत में जोड़ के बेच देते हैं, वो अपनी पॉकेट से या अपने लाभ के अंश से उसको नहीं चुकाते। अंततः क्या होता है कि उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता है कीमतों की में वृद्धि के रूप में। तो ये भी मुद्रास्फीति का ही एक कारण है। When taxes, indirect taxes are imposed or increased, indirect taxes means taxes like VAT, sales tax, excise duties, custom duties, etc. Then what happens is the government charges the companies, and the companies increases the prices of the goods immediately by adding the taxes to the existing prices. So what is happening ultimately? The customers are being charged with high prices. Customers are now, they are now imposed with the price of the good plus the tax that the company have to pay. So the entire burden of taxes comes to the customers, and they have to pay a higher price for these commodities. This is also a great cause of inflation. Next, we come to another cause, that is price rise in the international markets. Internationally, if the prices of certain goods rise up, and these goods are inputs to the industries of the domestic country, and they are used for domestic production, then it increases the domestic
cost of production also. And these goods, when used in more quantities, they increase the demand internationally, increasing the price internationally, and domestically increasing the cost of production of all the companies, all the production houses who are using such goods for production, which leads to inflation in the domestic market. Yadi कोई भी ऐसी आगत या रॉ मटेरियल या साधन है जिसे एक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्राप्त कर रहे हैं और उस साधन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची होते जा रही, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो साधन की कीमत अधिक है, तो इसका सीधा संबंध या इसका सीधा प्रभाव घरेलू उत्पादन क्षेत्र पर पड़ता है। इस साधन को जब घरेलू उद्योग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो घरेलू उद्योगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन की लागत होती है वो बढ़ जाती है, और जाहिर सी बात है उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो सप्लाई घटेगी और कीमत में उछाल आएगी, जो कि घरेलू बाजार के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति उत्पन्न करेगी। इन सभी कारणों के अलावा कुछ ऐसे गैर आर्थिक कारण होते हैं जो उत्पादन को इसलिए घटा देती हैं क्योंकि आगतें घट जाती हैं या आगतों की कीमतों में वृद्धि होती है अथवा मांग में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बाढ़ आ गई है और फसलें खराब हो जाती हैं, तो इससे कृषि में उत्पादन में कमी आती है और कृषि के उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। यह कारण आर्थिक कारण नहीं है, ये गैर आर्थिक कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर नॉन इकोनॉमिक रीजंस ऑल्सो, लाइक से सपोज देर इज अ फ्लड इन सम प्लेस which destroys the existing crop. Hence, the price of that crop in that country for that particular year will rise up. अभी का जो माहौल है COVID-19 का, आप इसको भी स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो कीमतें बढ़ेंगी इसके बाद वो मतलब अधिकतम गैर आर्थिक कारण होंगे, क्योंकि COVID-19 आर्थिक रीज़न नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, सप्लाई घट चुकी है। लेकिन जब सारे मार्ग खुलेंगे, लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आएंगे, तो उनकी मांग बढ़ेगी, मांग उतनी ही रहेगी, लेकिन सप्लाई उसकी मात्रा घट कम हुई रहेगी, सप्लाई विल बी लेसर। और इन दोनों के संतुलन जब नहीं बनेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। So we can see an inflationary trend in the coming future if it is not curbed or handled wisely by all of us. I hope you have understood this chapter of inflation till now. We will move on with the impacts of inflation in our next lecture. हम लोग अगले lecture से मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव पर जाएंगे। आशा करती हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया है। कोई भी doubt है, as usual, please come back to me on WhatsApp group and post your doubts and queries. Take care till then.